आप ये बताएं हमें कि क्या जिस तरह की बात हो रही है कि 6 लाख रुपए पहले देने होते हैं होते थे और फिर इसके बाद 6 लाख बाद में देने हैं, क्या इस बात को उन्होंने आपसे स्वीकारा? हाँ, ये बात उन्होंने स्वीकार किया है कि 12 लाख का बताया था, 6 लाख कह रहे, 6 लाख बाद में दो, 130 प्लस नंबर लो, ये बताया था उन्होंने। 130 नंबर में 12 लाख रुपए। हाँ, तो उन्होंने ये बताया था कि भोपाल के कुछ चुनिंदा कॉलेज है, हर कॉलेज में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है ना, ये गैंग बहुत बड़ी गैंग फैली है पूरे मध्य प्रदेश पूरे भारत में ये काम कर रही है। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं विवेक। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। एक लंबे इंतजार के बाद पीबी द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश प्राथमिक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 को लेकर शनिवार को बड़ा हंगामा हो गया। परीक्षा का आखिरी दिन था, एक दिन पूर्व यानी 25 मार्च को जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो गया। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यह पेपर कहाँ से आए, यानी गोपनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बताएं कि ग्वालियर के एक छात्र एमपीटेट वर्ग 3 का पेपर लीक होने का दावा किया है, जिनका नाम मदन मोहन दोहरे बताया जा रहा है। 25 मार्च को यह भोपाल के रायसेन रोड स्थित बिटिया पीठ स्कूल में एमपीटेट परीक्षा देने गए थे, लेकिन लौटते वक्त उन्हें धौलपुर राजस्थान का एक एजेंट मिल गया। स्टेशन पर उसने मोबाइल पर पूरा पेपर दिखा दिया जो उसके द्वारा दिए गए पेपर से हूबहू मैच करता था। तो इस सवाल उठता है कि वो पेपर कहाँ से आया जो गोपनीयता को भंग करता है। आपको बताएं कि हमने जब बात की मदन मोहन दोहरे से तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उसकी जब एजेंट से बात हुई तो उसने स्वीकारा कि 12 लाख रुपए की डील होती है जिसमें 6 लाख रुपए पहले देने होते हैं और 6 लाख रुपए ज्वाइनिंग के बाद। तो आप भी सुनिए, जब हमने बात की अभ्यर्थी से जिसकी मुलाकात एक एजेंट से हुई थी तो उसने क्या कहा। नमस्कार मदन मोहन जी, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूंगा कि कैसे आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने इस बात को स्वीकारा कि परीक्षाएं में उसके पास एग्जाम के पेपर थे। सबसे पहले मैंने अपना एग्जाम देके सेंटर पे आया, को सेंटर से आया स्टेशन जी, पेपर के तो अच्छा गया था मेरा जी, तो स्टेशन पे मैं ट्रेन में बैठा तो वो भी भैया थे, तो उनने बताया अपना धौलपुर से आए थे वो। अच्छा। उन्होंने बताया कि पेपर दिखाया मोबाइल में, तो उनके मोबाइल में 150 क्वेश्चन जो पेपर में आए थे वही क्वेश्चन थे पूरे के पूरे। अच्छा। हाँ, तो ये उसने उनसे जो आपकी बात हुई तो उन्होंने इस बात को किस तरह स्वीकारा कि ये पेपर उन्हें कहाँ से मिले? तो उनके मतलब किसी ने भेजा था उनके पास ही। अच्छा, तो ये किसने भेजे थे ये उन्होंने नहीं बताया? उनके नहीं बताया, लेकिन उनके मोबाइल में ये लक्ष्मण सिंह नाम से का कोई नंबर सेव था, उसमें थे ये सही फोटो। अच्छा अच्छा, तो जिस लक्ष्मण सिंह की बात हो रही है मध्य प्रदेश सरकार के ओएसडी शिवराज सिंह चौहान से उनसे जोड़ा जा रहा है, तो क्या ये वही लक्ष्मण सिंह है? नहीं नहीं, ये कोई दूसरा लड़के का नाम है, वो नहीं है, ये जिसका नाम आ रहा है अधिकारी का उनका नहीं, ये गलत जानकारी फैलाई जा रही है इनके बारे में। अच्छा, आप ये बताएं हमें कि क्या जिस तरह की बात हो रही है कि 6 लाख रुपए पहले देने होते हैं होते थे और फिर इसके बाद 6 लाख बाद में देने हैं, क्या इस बात को उन्होंने आपसे स्वीकारा? हाँ, ये बात उन्होंने स्वीकार किया है कि 12 लाख का बताया था, 6 लाख कह रहे, 6 लाख बाद में दो, 130 प्लस नंबर लो, ये बताया था उन्होंने। 130 नंबर में 12 लाख रुपए। अच्छा, और वो राजस्थान से। ये क्या बताया कि इससे पहले उन्होंने ये प्रोसेस की है, मतलब जैसे 25 तारीख को एग्जाम था उससे पहले के एग्जाम में? हाँ, तो उनके मोबाइल में पहले के भी क्वेश्चन थे उनके पास। अच्छा, तो उनके क्या उन्होंने ये भी बताया आपसे कि ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, मतलब कहाँ से ये उनके पास एग्जाम के पेपर आ जाते हैं? तो उन्होंने ये बताया था कि भोपाल के कुछ चुनिंदा कॉलेज है, हर कॉलेज में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है ना, ये गैंग बहुत बड़ी गैंग फैली है पूरे मध्य प्रदेश पूरे भारत में ये काम कर रही है, ये उन्होंने ये बताया था। मतलब लड़का सेंटर में बैठा रहता है, पेपर मतलब और कोई ऑपरेट करता है उसको। अच्छा अच्छा, मतलब पेपर कई कोई और ऑपरेट करता है। हाँ अच्छा, ये उसके पास पेपर पहुंच जाता होगा। हाँ, इसमें ग्वालियर के भी कई कॉलेजों का नाम आ रहा है, तो क्या ग्वालियर के भी कॉलेजों का नाम लिया उन्होंने? नहीं, ग्वालियर कॉलेज का नाम नहीं लिया उन्होंने, ये क्या है तो ये तो बताया सभी जाना चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये बताया था धौलपुर के आसपास ही जाना, लड़कों का ये स्कीम जाना चल रहा है ये बताया उन्होंने। ठीक है, एक नाम जो आ रहा है मनोज कुमार पटेल। हाँ, ये उसमें मनोज कुमार पटेल का उसमें जो
पेपर मिला था उसमें मनोज कुमार नाम का ही था, ये उसका रोल नंबर नाम दिया हुआ उसमें सब कुछ। तो उस व्यक्ति का मनोज कुमार पटेल से क्या संबंध था? मनोज कुमार पटेल का ही पेपर है ना, उसका ही लीक हुआ है ना ये पेपर, बाहर आया उसका, उनकी मोबाइल में मनोज कुमार पटेल का पेपर ही था। अच्छा, मतलब जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई वो एग्जामिनर एग्जाम अभ्यर्थी नहीं था? नहीं नहीं, वो भी पेपर देने आया था, उसने ये बताया था मैं एग्जाम देने आया, वो उसके 106 नंबर आए थे ये बताया था उसने। अच्छा अच्छा, और पेपर उसके पास पहले आ गया था? पेपर है ये पता नहीं पहले आया ये बाद में आया, लेकिन उसने दिखाया पूरी ये चल रहा है, बोले ऐसा स्कैम चल रहा है, बोले आजकल ये स्कैम चल रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा मदन मोहन जी, कि क्या आपसे किसी ने संपर्क किया कि इस बात को किसी से ना कहा जाए, रोका गया आपको किसी ने? नहीं अभी तो नहीं, अभी मेरे पास संपर्क नहीं किया गया किसी ने, मीडिया वालों ने जरूर किया है, लेकिन किसी है जैसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फोन नहीं आया, ना किसी ने संपर्क किया, ना अभी तक कोई धमकी दी गई है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत ये बड़ा स्कैम है जो आपके द्वारा सामने आया है, और इससे बहुत सारे बेरोजगारों को के रोजगार छिन रहे हैं, जिस तरह लोग तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, उनके सिलेक्शन ना होके लोग पैसे देके जिस तरह सिलेक्शन पा रहे हैं, ये बेहद दुखद है। तो सब आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही मांग है इसकी जांच की जाए, मतलब ये मनोज कुमार पटेल उसमें रोल नंबर दिया गया है, इनका नाम दिया गया है, सरकार के पास तो पूरा डेटा है ना उनका, सर्च करके पता किया जाए मनोज कुमार पटेल कौन है, कहाँ का है, उससे पूछताछ की जाए, तो वो उससे वहां से कुछ सबूत मिल सकते हैं ना सरकार को। जिस तरह परीक्षा प्रक्रिया में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया जाए, फिर से परीक्षाएं हो, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये है आप परीक्षा प्रक्रिया ये पहले तो जांच की जाए ना, ये क्या किस प्रकार ये कहाँ कमी पाई, कहाँ कमी हुई है सरकार से, इसके बारे में तो ये जांच की जाए अच्छे से, जो भी होगा आगे सब सामने आ ही जाएगा। ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, सीधे तौर पर उस अभ्यर्थी द्वारा कहा गया कि एक बहुत बड़ा तस्कर है जो भोपाल से लेकर हर जिले में एजेंट फैले हुए हैं, जिनका काम है एक मोटी रकम लेकर परीक्षाओं को पास कराना। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी लक्ष्मण सिंह की जो बात आ रही थी, उनका नाम व्हाट्सएप में लिखा हुआ था, उनके नाम को लेकर अभ्यर्थी ने सिरे से इनकार किया है। एक सवाल उठता है कि क्या स्क्रीनशॉट जो वायरल हुआ, जो सवाल वायरल हुए, जब हमने इसकी पड़ताल की तो कुछ अभ्यर्थी मिले हमें जिनसे हमने बात की, मध्य प्रदेश के कोने कोने के अभ्यर्थियों से बात की, जिनकी परीक्षा 25 मार्च की प्रथम पाली में थी, जिसके पेपर वायरल होने की बात कही जा रही है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि ये वही सवाल है जो स्क्रीन के रूप में वायरल हो रहे हैं, ये वही सवाल है जो हमारे परीक्षा में पूछे गए थे। तो आप भी सुनिए वो छात्र क्या कहते हैं। प्रिया मिश्रा है, मैं रीवा से हूँ। मेरा एग्जाम सतना में था, मेरा एग्जाम आदित्य ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कॉलेज सतना में था। मेरे एग्जाम का टाइम 9:30 से 12 बजे तक था। मेरे एग्जाम के टाइम का जो भी क्वेश्चन है मैंने खुद सॉल्व किया है। मुझे इंसान क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है तो पढ़ पढ़ के करता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, सोचना पड़ता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मुझे सारे क्वेश्चन याद हैं कि मेरे एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे। 25 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो वायरल हो रहे हैं वो 25 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ये प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में ये जो प्रश्न वायरल हो रहे हैं, ये प्रश्न 25 तारीख को प्रथम पाली में पूरे प्रश्न आए थे। अब मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि ये प्रश्न बाहर लीक कैसे हुए। हम लोगों को तो वहाँ हमारे बेल्ट टेंट तक उतरवा देते हैं, तो फिर वहाँ कैसे ये संभव हुआ। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि इसकी सरकार निष्पक्ष जांच कराए, वरना हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि लाखों बेरोजगार जो अपनी रोजी रोटी के लिए एक शहर से दूसरे शहर भटकते हैं, मध्य प्रदेश के बहुत सारे छात्र जो बाहर रहकर घर से दूर रहकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लगातार परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इसके बाद भी अगर उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता तो ये बेहद दुखद है।
क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए? और ऐसी घटनाएं जब आती हैं तो उन छात्रों का दिल टूट जाता है जो लगातार परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और एक उम्मीद रखते हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार उनका चयन जरूर हो जाएगा। यह पूरा घटनाक्रम जैसे ही अभ्यर्थियों के और पूरे मध्य प्रदेश के संज्ञान में आया, सोशल मीडिया में इसकी बहार आ गई। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर हो रहा है। कांग्रेस ने तो इसे व्यापम घोटाले की नई सीरीज बता दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग रूपों में कई ग्रुपों में इसकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। छात्रों द्वारा लगातार मांग उठ रही है कि यह घोरक धंधा बहुत लंबे समय से चल रहा है और यह परीक्षा को निरस्त किया जाए। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश की शिक्षक के अलावा जो भी पीबी द्वारा परीक्षाएं ली जा रही थी उसके जो ग्रुप थे उनमें लगातार ऐसी पोस्टें आ रही हैं कि यह घोरक धंधा बहुत लंबे समय से चल रहा था और इसमें सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक नाम जो जोरों से लिया जा रहा था, अरुण पटेल, जिसका रोल नंबर भी जारी कर दिए गए थे, उस नाम को लेकर जांच की मांग उठ रही है कि अरुण पटेल कौन है, क्योंकि उसका रोल नंबर भी है तो उसमें जांच की जाए और तभी मामला सामने आएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी, पीसी शर्मा सभी ने इस मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और ना ही किसी विधायक के द्वारा और ना ही किसी मंत्री के द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही सफाई आई है। अब ये देखना होगा कि जाँच के बाद कि कौन सी और चीज़ें सामने आती हैं और वो मामला जो लंबे समय से था, व्यापम का मामला था कि व्यापम घोटाले की बात थी, इसके बाद एक नया मामला सामने आया है, तो क्या ये मामला आगे तक जाएगा? छात्रों की जिस तरह की मांग उठ रही है कि परीक्षाओं को, और एक लगातार अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से ये देखा जा रहा है कि छात्रों द्वारा आंदोलन की बात कही जा रही है कि अगर इस में सरकार ने कुछ लंबी प्रतिक्रिया नहीं दी तो हम आंदोलन करेंगे। अलग अलग शहरों में, अलग अलग मध्य प्रदेश के तमाम शहरों से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि यह मामला आगे क्या तूल पकड़ता है या फिर सभी अन्य की तरह यह भी मामला सोशल मीडिया में, खबरों में, व्हाट्सएप में दब कर रह जाता है। देखिए, जब एक शिक्षार्थी जो है एग्ज़ाम देने जाता है तो वो सिर्फ अपने अनुभव को लेकर नहीं जाता, वो कईयों की उम्मीदों को लेकर जाता है। और जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाता है, वहाँ पेपर देता है और 80-90 नंबर ही उसको मिल पाते हैं, और जो मेहनत नहीं करता उसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से या फिर अदर कोई भी रिसोर्सेस के माध्यम से अच्छे नंबर प्राप्त हो जाते हैं। जैसा सुनने में आया कि स्क्रीनशॉट से मतलब 12 लाख देंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उनका क्या होगा जो अपने माँ बाप की उम्मीदों को लेकर के कई सालों तक एक किराए के मकान में रहते हैं और जब वो वापस घर आते हैं तो उन पर क्या गुजरती होगी और उनके माता पिता पर क्या गुजरती होगी? क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? यही की मांग करना चाहेंगे हम कि सरकार जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले और आगे की कार्यवाही करे और हो सके तो इसको एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। इस परीक्षा प्रणाली पर जो ये चल रही है इसको नियमित किया जाए या फिर अभी इसमें संशोधन इसमें पूरी तरह संशोधन किया जाए? ना तो इस भर्ती के पैर हैं, ना सर हैं, ना पदों का जिक्र है, ना रोस्टर का कुछ भी जिक्र है कि कितने पदों पर कैसे नियुक्ति देंगे, क्या है अतिथि का मैटर, क्या है, इसमें कुछ भी नहीं क्लियर है। हम ये चाहते हैं कि एक नए तरीके से या नए सिरे से फिर इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए और सब डिसाइड हो और ख़ासकर पद डिसाइड हो कि कितने होंगे। इस परीक्षा को फिर से कराया जाए या इसमें संशोधन किया जाए? सिर्फ आज बस की बात हो या 25 मार्च की बात हो तब तो ठीक है। क्या पता ये फर्जीवाड़ा जो है बहुत दिनों से चलता आ रहा हो, इसके पीछे कई गैंगवार हैं, हो सकते हैं, तो ये इस एग्ज़ाम को पूरी तरह से कैंसिल कराया जाए।